इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है हमारे पेरेंट्स ने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने शायद कभी भी ये दौर नहीं देखा इतना बड़ा इतना बुरा जितना इस वक्त पूरी दुनिया में आया हुआ है हम सबको सरकार को कॉरपोरेट को प्राइवेट सेक्टर को एनजीओस को सोसाइटी को सारे लीडर्स को सबको बहुत कंपेशनेट होकर काम करना है अभी दिल्ली सरकार भी बहुत मेहनत के साथ में और बहुत फूक फूक के एक एक कदम रख के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़ रही है सरकार सबको फ्री राशन दे रही है करीब 90 लाख लोगों को फ्री राशन दे रही है उसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजाना लंच और डिनर कराया जा रहा है कई लाख लोगों को मॉनेटरी सपोर्ट उनके अकाउंट में पहुंचाई गई है कोरोना की वजह से दो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इकोनॉमी और एजुकेशन इकोनॉमी के फ्रंट पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन आज एजुकेशन पे मैं बात करने के लिए आपके बीच आया हूं और एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए सरकार ने जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं उन्होंने उसमें ऑन फोन क्लासेस ली जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और और भी कई मीडियम्स के माध्यम से क्लासेस ली जा रही हैं और लेने की तैयारी है प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली में और भारत में पूरे देश में कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल इस कानून में यह माना गया है कि प्राइवेट स्कूल जो लोग चलाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल जो संस्थाएं चलाएंगी वो प्रॉफिटेबल संस्थाएं नहीं होंगी वो चैरिटेबल संस्थाएं होंगी वो ट्रस्ट होंगी तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं एनुअल चार्जेस ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा पूरे पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहां ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दिए उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसको उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना ये तो ठीक नहीं है तो इसके बाद इन सारी चीजों के बाद इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को वो चाहे सरकारी सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पे चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पे चल रहा हो दूसरा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा वो भी महीनावार लेंगे कोई स्कूल पेरेंट्स को तीन तीन महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से सभी बच्चों को देनी होगी अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी ये आदेश दिए हैं साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है एक महीने की फीस के अलावा कोई और एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है कोई भी स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट्स से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा ना कोई एनुअल चार्ज चार्ज करेगा कोई चार्ज नहीं लेंगे साथ में यह भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की चाहे वो सरकारी स्कूल पे, सरकारी जमीनों पे बने हैं या प्राइवेट जमीन पे बने हैं यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नॉन टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा ना ट्रांसपोर्टेशन फीस ना कोई ऑरएनुअल चार्जेस ना कोई कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा उसको रोकेगा नहीं बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हो या आउटसोर्स किए गए हों परमानेंट हों टीचर्स नॉन टीचर्स सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी